कलयुग में बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। क्या गुण है कलयुग का कि यदि आप मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, चेष्टा नहीं हो रही है, मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं, उसका फल नहीं मिलता जब तक आप उसकी चेष्टा ना कर लो। लेकिन अगर मन से किसी के प्रति आप अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार रखते हो, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जो गलत सोचा उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर अच्छी भावना सोची भगवान के प्रति, सद्गुरु के प्रति, मनुष्यों के प्रति, जीवों के प्रति, आपकी अच्छी भावना आपने मन में सोची, भले आप उसको मूर्तिमान रूप से कर नहीं पा रहे हैं, नहीं किया आपने, फिर भी आपको अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार से मानसिक रूप से जब आप भगवान की सेवा करने लग जाओगे तो उसका वही फल मिलेगा जो आप साक्षात कर रहे हैं, उससे बड़ा फल भी मिल सकता है, क्योंकि आपका चिंतन उस सेवा को करते हुए भगवान के चरणों में लग रहा है। और भगवान बस यही चाहते हैं कि भक्त मुझे हमेशा चिंतन करता रहे, मेरा सुमिरन करता रहे, मुझसे कभी दूर ना जाए। भगवान ने गीता में कहा है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोप यान्ति ते। अर्थात जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, चाहे यह सेवा मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो भगवान उन पर कृपा करके क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त कर देता हूँ, दिलवा देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान की जो नित्य सेवा करता है तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा कर कैसे करते हैं, यही दिव्य गुरु संत महात्मा हमारे जीवन में उपदेश देते हैं, हमें गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें इनकी शरण में हो जाना है, इनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना है। तो ये आदेश भगवान गुरुदेव यही आदेश करते हैं कि भगवान का चिंतन कभी ना छूटे, नाम जाप कभी ना छूटे, संसार के सभी कर्मों को करते हुए आप भगवान का चिंतन नाम जाप करते रहो, भगवान की गुरु लीला को सुन स्मरण करते रहो, यही गुरुदेव के आदेश है। सच्चा गुरु किसी भी भक्त से रुपया, पैसा, मिठाई और सेब संतरा ये सब नहीं चाहता है। सच्चा गुरु अपने भक्त से बस भगवान के लिए रोना चाहता है, वह भगवान के लिए तड़पे, भगवान को पुकारे, आर्त भाव से पुकारे, भगवान की तरफ बहुत तेजी से दौड़ जाए, संसार को भूलकर, संसार की माया, संसार के दुख को भूलकर गुरुदेव का भक्त, गुरुदेव का शिष्य अगर इस तरह के कार्य करता है, भगवान की तरफ बढ़ने की तरफ प्रेरित होता है, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु कृपा उस पर होती है तो गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु देखो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे स्वीकार कर लो। जब गुरु कहते हैं भगवान से तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं।